सना के भी पीठ पीछे बात करने लग गई है मनारा। भाई मनारा को क्या हो चुका है, हर कोई जो है मनारा को उनका दुश्मन लग रहा है। लग रहा है कि सब लोग जो है मनारा को टारगेट कर रहे हैं, और मनारा वैसा सोच रही है, समझ रही है और वैसा ही फील कर रही है। अब दम के मकान में बैठी है जहाँ पर अरुण है और वहाँ पर सना नहीं है। सना ने ना कुछ देर पहले जो स्टोर रूम है उसी में मनारा से बात करते हुए, बैटरी चेंज करते हुए ये बात बोली थी कि मनारा तुझे अंकिता इतना सब चीज़ें सुना रही थी, तूने तो उसको कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं भी सोच रही थी कि तू जवाब क्यों दे, तू तो चुपचाप बैठी थी। तो वही चीज़ को लेके जो है अरुण के साथ बात कर रही है मनारा। मनारा का कहना ये है कि आपने देखा कि अंकिता क्या सब चीज़ें बोल रही थी और क्या सब चीज़ें, कि मैंने भी उसको मस्त जवाब दिए, पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि भाई मैं सुन के ले लेती हूँ और मैं जवाब नहीं देती। वो क्या करते हैं, वो तो कल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, आज चश्मा बदलाते हुए घूम रहे हैं। अब तो मेरा यहाँ पर मन ही नहीं लगता, दिमाग के रूम में तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता। यहाँ पर मैं दम के रूम में आती हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा मन लगता है यहाँ पर, अगर यहाँ से भी मन उठ गया तो मेरा सीधा घर जाके ही मन लगेगा। ये बात जो है मनारा बोल रही है। मनारा को एक लग रहा है कि वो एलिमिनेट होने वाली है, दूसरा मनारा को लग रहा है कि सब लोग जो है गैंगअप करके सिर्फ मनारा को ही टारगेट कर रहे हैं। और तो और मनारा अभी 2 दिन पहले ही जो है आई थी, 1 दिन पहले जो है वापस दम के रूम से इधर रूम में आई दिमाग के, अपना पूरा पिल्लो विल्लो सब चीज़ें लेके, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अभी फिर दोबारा से जो है अभी उसको लग रहा है खानजादे उसके अगेंस्ट है, जिगना जी और जो जिगना और रिंकू अब वो अगेंस्ट है। सही बात है, चलो अगेंस्ट है, पर मुनावर तो बहुत अच्छा दोस्त है ना। मुनावर को भी इस चीज़ में पीस रही है मनारा कि भाई वो भी बंदा सही नहीं है, वो इन तीनों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है, मेरे को नहीं देता। इसीलिए अब ये फील कर रही है अकेला और टारगेट फील कर रही है अपने आप को, दुश्मन मान रही है सब लोगों को। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।